हाय मित्रों, फिर से हम लोग हाजिर हैं न्यूमेरिकल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो मॉडल प्रश्न हैं उसको डिस्कस करने के लिए। अभी 21 से 40 नंबर तक के प्रश्नों का हल हम लोग करेंगे और देखा जाए। सबसे पहले 21 नंबर प्रश्न देखिए। 10 किलोग्राम की वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने में, वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? जब वस्तु को यहां से यहां ले जाएंगे तो ले जाने में क्या कार्य? डब्ल्यू बराबर माइनस एम जी एच। तो माइनस एम, एम का वैल्यू कितना होता है? तो माइनस एम, तो माइनस 10 गुना, ठीक है, 5 किलोग्राम बोलते हैं 10 किलोग्राम है, तो जी का मान कितना है? जी का मान भी 10 होता है। और एच का मान कितना है? तो एच का मान हो गया आपको 5 मीटर, तो कर लीजिए 100 माइनस 500 जूल। तो याद रखिए, अगर गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य हो तो वो निगेटिव होता है, गुरुत्व की दिशा में किया गया कार्य हो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक बुलेट का द्रव्यमान 0.02 केजी है जो 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। लकड़ी के टुकड़े द्वारा विराम में लाया जाता है, तो विराम में आने से पहले टुकड़े पर किए गए कार्य की गणना करें। तो आपको पता है आसानी से, तो क्या पता है कि जब भी कोई बुलेट, ठीक है, जब भी कोई बुलेट हिट करेगा किसी इस लकड़ी के टुकड़े को, तो क्या होगा? उसका वेग जो है यहां पर दिया हुआ पहले 30 मीटर पर सेकेंड। तो वर्क इनर्जी थ्योरम से, W बराबर रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के ई होता है, और जब डेल्टा के ई होता है तो यहां देखिए 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आपको पता है 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस क्या होगा? यू स्क्वायर हो गया। तो यहां पर आपको पता है ये भी कि 1/2 इंटू एम, एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो एम का वैल्यू दिया हुआ भाई जी 0.02 के जी, तो 0.02 कर लीजिए। एन टू भी का मान तो क्या है? जीरो, क्योंकि यहां से चला, जब ये टुकड़े से टकराया तो बोल रहा है कि टुकड़े से टकराने से जस्ट पहले उसका गति ऊर्जा कितना था, तो जीरो माइनस क्या कर दीजिए भी का स्क्वायर, तो भी का वैल्यू कितना, यू का वैल्यू जीरो का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर कर दीजिए भाई जी। अब देखिए क्या होगा, 1/2 इंटू 0.02 इंटू, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 30 को स्क्वायर कीजिए तो माइनस ही रहेगा, गुना 900 हो जाएगा, 900 जू, और ये जूल ले लीजिए। अब देखिए क्या होगा भाई, ये 2 पॉइंट उड़ा दिए, यहाँ पर यहाँ ले लीजिए 100, ठीक है, 2 तो काट दीजिए 100, ये काट दीजिए, तो माइनस क्या हो गया 9 जूल एनर्जी होगा, क्या हो जाएगा माइनस 9 जूल एनर्जी होगा। ध्यान में रखिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि द रेट, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। तो उसके आधार पर मैंने क्या किया, इस सवाल को डील किया, ध्यान में रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न पर क्या कह रहा है, किसी इंजन द्वारा विकसित शक्ति का मान क्या होगा? 3000 लीटर जल को 20, ठीक है, मीटर गहरे कुएं से 1 मिनट से सतह पर लाता है। तो आसान प्रश्न है, चलिए करके देखते हैं। कह रहा है आपको कि देखिए भाई, 1 लीटर बराबर नीचे दिया हुआ है 10^3 केजी दिया हुआ है, तो हमको लीटर में निकालना है, किसमें निकालना है, लीटर जल को, ठीक है, तो हमको क्या करना है, लीटर में इसको कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है P बराबर क्या होता है, W बाय टी, P बराबर क्या होगा, W बाय टी होता है। चलिए निकाल लेते हैं। अब क्या है आपको कि W बाय टी, तो यहाँ पर 3000 लीटर जल है, चलिए 3000 लीटर जल है, तो एम जी एच अपन क्या कर सकते हैं, टी कर सकते हैं इसको, एम जी एच अपन क्या कर सकते हैं, टी कर सकते हैं। तो भाई जी इसका देखिए वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, तो एम का मान कितना है, तो एम का मान निकालना है, क्योंकि वॉट दिया हुआ है 3000 लीटर जल, तो 3000 लीटर दिया हुआ, 3000 पुट कर लीजिए, 3000 और क्या करेंगे गुना, ठीक है, 3000 कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुना जी तो 10, और कितना मीटर ऊंचाई से, तो 20 मीटर, यहाँ देखिए दिया हुआ सारा वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि कितने सेकंड में बोल रहा था, 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड कर लीजिए। अब इसको कहते हैं 3000 गुना 10 गुना 20 अपॉन 60, काट लीजिए इसको, 20 या 60 3, यहाँ पर 100, 1000 हो गया, तो 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 4 सुनना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर, ठीक है, तो 10^4, ठीक है, 10^4 वॉट हो गया, और 10^4 वॉट को आप लिख सकते हैं 10 किलो वॉट, क्योंकि 1 किलो में क्या होता है 10^4
थ्री होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, क्योंकि पता है आपको एक किलो वॉट बराबर होता है 10^3 वॉट, तो इसके आधार पर इसको ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 किलो वॉट होगा आंसर, क्या हो जाएगा, 10 किलो वॉट। एकदम सिंपल सवाल है, पी बराबर क्या होता है, MCH/T, उसके आधार पर हमने इसको निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं, क्या कह रहा है। 1 मीटर लंबे नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध 6 ओम है, तो 70 सेंटीमीटर लंबे नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध ज्ञात करें, कितना मीटर है, तो 1 मीटर है। कह रहा है कि 1 मीटर का तो पता है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। रेसिस्टेंस किसका प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ध्यान में रखिएगा कि प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती होता है, और जब भी प्रतिरोध की बात करेंगे तो R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, L1/L2। इससे निकाल लीजिए ना, क्या कह रहा है कि L1 का वैल्यू कितना है, 100 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है, बटा 70 सेंटीमीटर कर लीजिए, 100 सेंटीमीटर बटा 70 सेंटीमीटर, और R1 का मान देखिए कितना दिया हुआ है, तो 6 ओम बटा R2 बराबर 100 बटा कितना हो गया, 70, ठीक है, ये काट लीजिए। अब देखिए इसको इधर गुणा कीजिए, इसको इधर गुणा कीजिए, क्या दिक्कत है, दिस सिंपल है, R2 बराबर, ठीक है, 6 × 7/10 बराबर 4.2 ओम हो जाएगा, 4.2 ओम हो जाएगा। तो क्या नंबर आंसर होगा, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि तार का प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती होता है, तार का प्रतिरोध किसका समानुपाती होगा, लंबाई का समानुपाती होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि कॉपर की तार की लंबाई 100 मीटर है जबकि त्रिज्या 1 मिलीमीटर है, जिसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यदि कॉपर के तार की प्रतिरोधकता दिया हुआ है, तो आपको प्रतिरोधकता दिया हुआ यानी रो दिया हुआ है, रो का मान आपका दिया हुआ है, तो आपको पता है कि रेसिस्टेंस जो होता है वह लंबाई का समानुपाती, रेसिस्टेंस जो होता है वह, ठीक है, क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला लेते हैं, आर बराबर रो एल बाय क्या होगा, ए होता है, आर बराबर रो एल बाय ए हो जाएगा। यहां से देखिए रो का मान हम निकाल लेते हैं, रो का मान दिया हुआ है आपको, एल का मान दिया हुआ, ए का मान दिया हुआ, निकाल लीजिए ना, क्या दिक्कत है, रो, रो का मान दिया हुआ 1.72 × 10^r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर रो, रो का मान दिया हुआ कितना, तो 1.72 × 10^-8, कोई दिक्कत नहीं। l का मान कितना दिया हुआ है, तो 100 मीटर, तो 100 गुना कर लीजिए। क्षेत्रफल का मान कितना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो देख लीजिए r कितना दिया हुआ है, 1 मिलीमीटर, तो जब भी r 1 मिलीमीटर दिया हुआ हो तो आपको ये अच्छे से पता है कि 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 10^-3 मीटर हो जाता है। तो क्या कर लेंगे, यहाँ 1.72 × 10^-8 गुना 100 बटे 3.14 गुना क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर, तो 1 × 10^-3 का होल स्क्वायर कर लीजिए ना, और देखिए क्या हो जाएगा भाई, 2 मर्त में कट गया, नहीं कटेगा 2 मर्त में भाई, 1.72 है ना, नहीं कटेगा, तो ध्यान में रखिए अब क्या कर रहते हैं, किसको मत काटिए, ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इसको देखिए 3.14, तो 1.72 / 3.14 गुना 100 गुना ये ऊपर चला जाएगा 10^8, और ये भी 10^8 है, ये कट गया, क्या बचा, 172 बटे, ये 10^6 ना होगा, 10^6 और ये -8, अरे बाबा रे बाबा, 10^-8, तो निकालिए ना, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा, 100 बचा, 100 × 100, ठीक है, तो -8 में तो 100, ये 100, तो इसीलिए मैंने काट दिया था, पूरा काट दिया, 1.72 बटे क्या, 3.14, तो इसको भागा देंगे तो 0.55 ओम निकलेगा, क्या निकलेगा, 0.55 ओम निकलेगा, ध्यान दीजिएगा 0.55 ओम, कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपको फॉर्मूला दिया हुआ आर बराबर रो एल बाय, उसके आधार पर आपने पुट करके निकाल लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि √√2/3 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई वस्तु की गति जुड़ा 1 जूल है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको क्या कह रहा है, हमको कह रहा है कि घबराना कभी भी नहीं है, आपको कह रहा है कि गति ऊर्जा दिया हुआ, काइनेटिक एनर्जी बराबर ½m × v² तो आपको पता है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 जूल, हाफ
एम का मान देखिए कितना दिया हुआ, एम का मान निकालना है भाई जी। वी का मान कितना दिया हुआ, टू बाय रूट टू बाय थ्री का होल स्क्वायर कर लीजिए ना, ठीक है। तो क्या निकलेगा, वन बाय टू इंटू एम गुना टू बटे थ्री, ठीक है। अब देखिए टू टू को काट दीजिए, एम बराबर कितना हो गया, थ्री के जी, कुछ है, कुछ नहीं है, थ्री के जी हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि संवेग के लिए लंबाई तथा समय की विमाएं क्रमशः क्या होगी। तो अब देखिए संवेग, संवेग क्या होता है, संवेग मतलब मोमेंटम होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है पी बराबर एम इंटू वी, और आपको पता है एम का डायमेंशन है एम ही, और वी का क्या होता है एल टी माइनस वन, तो एम एल टी माइनस वन। अब देखिए तो लंबाई का विमा क्या हो गया वन, तो लंबाई का द्रव्यमान का विमा, तो संवेग में, संवेग में द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान की विमा कितनी, तो देखिए ऊपर वन है, कोई चीज नहीं है, पावर है तो वन होगा वन, ठीक है। समय वो तो लंबाई की विमा, की विमा क्या वन, समय की विमा माइनस, ठीक है, ध्यान में रखिए। तो इसमें पूछ रहा है लंबाई तथा समय की विमा, तो लंबाई की विमा वन और समय की विमा क्या माइनस वन, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो वन एवं माइनस वन, तो ए नंबर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी द्रव के बूंद का भार 0.5 ग्राम है तथा इसका घनत्व 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है, तो बूंद का भार निकालिए। तो आपको पता है, ठीक है, भार बराबर क्या होता है, तो बूंद का भार बोलिए या द्रव्यमान बोलिए निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, भार बोल रहा है निकालने के लिए। भार मतलब क्या होता है, भार बराबर आपको याद रखना है कि भार, तो बूंद का भार बोल रहा है निकालने के लिए, तो निकाल लीजिए ना। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना आयतन, निकालिए उससे। एक बूंद, किसी बूंद का भार 0.5 ग्राम है तो उसका घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर, तो उस पानी की बूंद का भार होगा, तो करके देखते हैं ना बूंद का भार क्या होगा, निकाल लीजिए ना। तो क्या कह रहा है, तो घनत्व बराबर निकाल लीजिए, द्रव्यमान बटे आयतन। कह रहा है कि किसी द्रव की बूंद का भार 0.05 ग्राम है तथा उसका घनत्व 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है, तो पानी की बूंद का भार होगा, पानी की बूंद का भार होगा। ध्यान दीजिए जरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पानी की बूंद का भार होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराना नहीं है कभी भी। हमको प्रश्न में कह रहा है कि किसी द्रव की बूंद का भार 0.05 ग्राम है, तो उस बूंद, उसका घनत्व 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है, तो 1 ग्राम पर से, तो आपको पता है कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुना आयतन, घनत्व गुना आयतन, ठीक है। तो घनत्व गुना आयतन, जरा देखिए कि घनत्व जो है 1 दिया हुआ है, जल का आयतन कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, आपको पता होना चाहिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जल का आयतन दिया हुआ है प्रश्न में, जल का आयतन नहीं दिया हुआ है, तो जल का आयतन कुछ ऐसा पूछ नहीं रहा है, तो बूंद का भार तो उतना का उतना ही होगा जितना उसका क्या दिया हुआ है, दिया हुआ ऑलरेडी भार, तो क्या हो जाएगा, आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, ए मार देना आंसर, कितना 0.05, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई भी चीज परिवर्तित नहीं हो रहा है, सेम का सेम ही रहेगा। ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार होना चाहिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन का ऐसा रहता है कि किसी द्रव की बूंद का आयतन 0.05 है तथा उसका घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो पानी की बूंद का भार निकालें, तो ये होना चाहिए था, थोड़ा सा सुधार कर लीजिए इसमें, किसी द्रव की बूंद का आयतन, द्रव की बूंद का आयतन 0.5, ठीक है, 0.05 सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्या निकालिए, तो उसका घनत्व 1 ग्राम घन सेंटीमीटर है, तो पानी की बूंद का भार ज्ञात कीजिए। तो ये देख लीजिएगा 28 नंबर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी द्रव की बूंद का आयतन 0.05 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी
ठीक है सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर है तो उसका घनत्व एक ग्राम, एक ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो पानी की बूंद का भार क्या होगा या द्रव्यमान क्या होगा, तो उसके आधार पर निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। तब निकलेगा कैसे, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान गुना आयतन, तो एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गुना आयतन का मान 0.05 कर लीजिए, तो जब गुना करेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब तो ये कट गया, क्या बचा तो 0.05 निकलेगा ग्राम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। क्या आपको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं प्रश्न को, किसी द्रव की बूंद का आयतन 0.05 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका घनत्व एक ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो ठीक है बूंद का भार क्या होगा, निकल जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ध्वनि की स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ज है तो एक मिनट में कितनी बार कंपन करेगा, तो एक मिनट में बोल रहा है तो एक सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे ही हम आवृत्ति कहते हैं। तो एक सेकंड में कितना कंपन कर रहा है, 100 हर्ज, तो ठीक है कितना, एक मिनट में, एक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड में कितना हो जाएगा, एक सेकंड में 100 दोलन करेगा, 100 दोलन। ठीक है, क्योंकि आवृत्ति है कितनी, आपको एक सेकंड में 100 दोलन करेगा, तो 60 सेकंड में कितना दोलन करेगा निकाल लीजिए ना, 100 गुना क्या करेंगे 60 बराबर क्या हो गया 6000 दोलन करेगा, निकल गया इससे आपका 6000 बार दोलन करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। याद रखिएगा कि आवृत्ति जो होता है एक बट्टा आवर्तकाल होता है, आवृत्ति बराबर क्या होगा, एक बट्टा आवर्तकाल, या इसी को बोलते हैं पर सेकेंड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। क्या कह रहा है, 30 नंबर, 12 गुना 10^22 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना आवेश होगा, तो 12 गुना 10^22 ठीक है इलेक्ट्रॉन्स पर कितना आवेश होगा ये निकालना है। तो आपको पता है क्यू बराबर कितना होता है, प्लस माइनस एन ई, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दी हुई है इसमें, तो एन, एन का वैल्यू कितना होता है दिया हुआ है, देखिए 12 गुना 10^22 और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10^-19 कूलम्ब होता है, निकाल लीजिए ना। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे 12 से गुना कर दीजिए, 16 है 92 से, ठीक है, तो 19 पॉइंट क्या हो गया 2 गुना 19 3 घट गया 10^3 हो जाएगा कूलम्ब। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा आंसर है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न आपका, कह रहा है कि 8 मिली कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य 0.96 जूल हो तो बिंदु पर विभव क्या होगा। तो आसान प्रश्न है, आपको कई बार मैंने बताया है कि विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होगा, आवेश गुना विभवांतर या आवेश गुना विभव। चलिए प्रश्न आसानी से बन गया, ठीक है, ये U बराबर Q इंटू V, ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपको V निकालना है, V बराबर क्या होगा U अपॉन Q, तो देखिए सबका मान दिया हुआ है, तो 0.96 है कूलम्ब, 0.96 जूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट Q, Q का मान कितना है 8 मिली कूलम्ब, मिली मतलब 10^-3, ठीक है, चलिए भाई ऊपर लेके जाइए, 0.96 इंटू 10^3 अपॉन 8, ठीक है हो गया, ये पॉइंट उड़ाएंगे, यहां पर 100 आ गया, 100 को काटिए 10 आ गया, 12 8 96 12 हो गया, 12 गुना 10 यानी 120 कूलम्ब हो जाएगा, कितना कूलम्ब 120 कूलम्ब हो जाएगा, तो आंसर हो गया कौन सा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर, देखिए कह रहा है कि 5 ग्राम पारा का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी, तो यहां देख लीजिए कितना ग्राम पारा है, तो 5 ग्राम पारा है, कितना ग्राम पारा है 5 ग्राम पारा है, और विशिष्ट ऊष्मा पारा का कितना होता है, तो 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसमें आपको पारा का विशिष्ट ऊष्मा भी देना पड़ेगा, 4200 मान के चलिए 4200 जूल पर केजी, ठीक है केल्विन होता है। ठीक है, अब देखिए क्या निकल जाएगा, क्यू बराबर क्या होता है सीएम डेल्टा टी, क्या हो जाएगा सीएम डेल्टा टी, ठीक है Q बराबर सी एम डेल्टा टी, एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपको कुल ऊष्मा बराबर C गुना M गुना डेल्टा इंटू टी। ठीक है, अब देखिए M का मान दिया 5 ग्राम, तो 5 को केजी में बदल दिया 10^-3, 5 ग्राम को हमने क्या कर दिया केजी में बदल दिया, अब
डेल्टा तो सी का मान अभी तुरंत मैंने बताया था कि 4200 जूल पर केजी इंटू केल्विन होता है भाई, 4200 पुट कर दीजिए और फिर डेल्टा टी तो 200 में से 20 को घटा दीजिए तो 180 इसको निकाल लीजिए ना, कितना आ जाएगा तो 180 हो जाएगा, तो ये लगभग हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये जीरो ये कट गए, ठीक है, 18 × 5 = 90, तो 90 × 42, ठीक है, तो कर लीजिए ना इसको, तो 90 × 42 तो लगभग आ जाएगा, कर लीजिए इसको तो लगभग आ जाएगा 124.2 जूल। फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो 180 200 में से 20 ग्राम 5 ग्राम को बदल दीजिए, केजी में आ गया और ये 4.2 लगभग इसका वैल्यू जो होगा वो 4.2 करिए गुना, क्या हो जाएगा 4.2 गुना, ठीक है, और 180 कर लीजिए। अब देखिए करके निकल गया, अब ये देख लीजिए तो Q बराबर क्या होता है CM डेल्टा T, तो उसके आधार पर हमने बना लिया है, ठीक है, तो Q बराबर क्या हुआ CM डेल्टा T, तो गुना कीजिए ना 120 तो 5 ग्राम पारा का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, तो कितना हो जाएगा 124.2 जूल होगा, ध्यान में रखिएगा। कैसे होगा तो Q बराबर क्या होता है CM डेल्टा T, ठीक है, CM डेल्टा T, तो C का मान कितना है तो 4200 है जूल पर केजी केल्विन,